मैं दीपक टवानी, श्री पद्मावती इलेक्ट्रॉनिक और श्री प्रेम एंटरप्राइजेज अजमेर की तरफ से पूरे शहरवासियों को दीपावली व धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अनुज अग्रवाल, अजमेर तनिष शोरूम से। अजमेर के सभी शहरवासियों को मैं तनिष की ओर से दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये चाहता हूं कि आप सबका दिवाली बहुत अच्छे से बने। MP मोबाइल एसेसरीज एंड रिपेयरिंग की तरफ से अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सदगुरु ग्रुप की तरफ से अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मे गॉडेस लक्ष्मी फुलफिल योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। आई एम डॉक्टर नीरू पाठक, प्रिंसिपल DPS अजमेर तबीजी, एंड आई विश अ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली टू ऑल द अजमेर। श्री कुबेरा कलेक्शन की तरफ से सभी अजमेर शहरवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। पानी भरा हुआ सब आके दिखाना आए थे, जो परेशानी तो बाहर निकाल के बाद में बात सफाई कराई है। किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम यह है कि मतलब पानी भरा हुआ साफ कर रहे हैं, परेशानी आ रही है हमारे परेशान होके पिछल रहे पकड़ रहे हैं। आप कहाँ से? बागसुरी से, रतनलाल। प्रॉब्लम ये है साहब, हम आके चेक कराने के लिए आए तो यहाँ पे पानी भरा हुआ है पैरों के अंदर, पिसल रहे तो कैसे आने जाना हुआ है? फिर हमने अंदर गए तो वापस सबको बाहर निकाल दिया कि पानी निकाल लें, तो अभी भी पानी आ रहा है इसमें। कौन सा हॉस्पिटल है? नेहरू अस्पताल। आपका नाम? सूरजमल। बांधनवाड़ा से। अंदर जाने में पानी हुआ है, अंदर जाने ना आ रहा है, अंदर बैठा तो पानी भरा हुआ हो वापस काटा मुझे, और अभी तक गंदगी बहुत हो रही है। गंदगी साफ करने के लिए कोई कर्मचारी नहीं है? कोई कर्मचारी नहीं है कुछ भी, अरे गंदगी साफ करने के। हॉस्पिटल राम भरोसे बताओ पूरी बात। हाँ, अस्पताल राम भरोसे है क्या? हाँ, राम भरोसे चल रहा है अस्पताल। आपका नाम? गीला राम। कहाँ से? जडाना। मैं मेरे माता जी को नेत्र दिखाने आया था, लेकिन यहाँ पे जलन का बड़ा हॉस्पिटल होने के बावजूद यहाँ पानी गिरा हुआ है, इससे फिसल सकते हैं, मरीजों को चोट लग सकती है, इसकी व्यवस्था करवाई जाए। अजमेर संभाग से राजेंद्र सिसोदिया जी। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो अस्पताल खुद बीमार हो वहाँ मरीज अपना इलाज कैसे कराएंगे। ये संभाग का सबसे बड़ा चिकित्सालय है जवाहरलाल नेहरू, और यहाँ देखा जाए तो दिन दहाड़े पानी भर गया है, मरीजों को आने जाने में इतनी परेशानी हो रही है। गंभीर रोगी मरीज यहाँ आते हैं गाँवों से और आसपास के शहरों से दिखाने के लिए, लेकिन पानी में उनके पैर भर रहे हैं, वो खुद बीमार हो जाएंगे, और इसके अलावा संक्रमण फैलने का भी यहाँ डर है, लेकिन प्रशासन, अस्पताल प्रशासन इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे चिकित्सा मंत्री अजमेर से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो कभी अजमेर आते नहीं है, सिर्फ केकड़ी के विधायक बनकर रह चुके हैं। हमारी ये मांग है प्रशासन से और चिकित्सा मंत्री से कि इस तरफ ध्यान दिया जाए। संभाग का सबसे बड़ा चिकित्सालय है, यहाँ पर साफ सफाई होनी चाहिए। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को स्वच्छ करने में लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ ये प्रशासन यहाँ ध्यान नहीं दे रहा है। अंकुर सोनी।